दोस्तों आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं। अगर आपको जानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या रहता है और इसकी फीस क्या होती है, कोर्स के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आफ्टर डिप्लोमा सैलरी क्या होती है, हायर एजुकेशन ऑप्शन क्या होते हैं, तो ये वीडियो आपको कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में बताएगी हर एक चीज़ को आपको ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देन बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और सभी चीज़ें। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 10th पास हों। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 10th पास हों। अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स को आप आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप इस कोर्स में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में लेटरल एंट्री लेते हैं तो ये कोर्स 2 साल यानी कि 2 ईयर्स में कम्प्लीट हो जाता है। अदरवाइज ये कोर्स 3 साल में कम्प्लीट होता है। आफ्टर 10th अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो 3 साल में यानी कि 3 ईयर्स में कम्प्लीट होता है। अगर आप आफ्टर 12th लेटरल एंट्री के साथ करते हैं तो ये 2 साल में कम्प्लीट होता है। एज लिमिट की बात करें तो यूपी में यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन के लिए एज लिमिट है 14 ईयर्स, यानी कम से कम जो एज आपकी है वो 14 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स एज होनी चाहिए। अदर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है एज लिमिट में, तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता कर लीजिएगा और फिर एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो यूपी के लिए मिनिमम एज 14 ईयर्स है यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। तो आइए बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन कैसे मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है मेरिट बेस्ड, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड। अगर हम बात करें यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड होता है, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस हैं इनमें डिप्लोमा करने के लिए ज़रूरी है, इनमें एडमिशन लेने की ज़रूरी है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें और उसमें आप जैसा स्कोर करते हैं उसके बेस पर आपको इनमें एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है और कुछ स्टेट्स में मेरिट के बेस पर, 10th की मेरिट के बेस पर एडमिशन मिल जाता है। तो आप जिस भी राज्य यानी कि जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं आप अपने स्टेट्स में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस पता कर सकते हैं और उनमें एडमिशन प्रोसेस को पता कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो यूपी के जो पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी होती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जैसा परफॉर्मेंस रहता है, जैसा आपका स्कोर रहता है, उसी के बेस पर आपको यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यूपी के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट एंड एडेड कॉलेज, उनमें फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। अगर हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यूपी के जो गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं इनमें 10 से 12 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस लगती है, यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस लगती है यूपी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। अगर हम बात करते हैं एडेड पॉलिटेक्निक यानी कि जो अर्ध सरकारी कॉलेज हैं उनकी, तो उनमें 18 से 20 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस लगती है और यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं, इनमें 30 से 35 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस लगती है स्पेशली यूपी में, ठीक है। यूपी के पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस हैं इनमें फ़ीस स्ट्रक्चर ये रहता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लीजिएगा। अदर स्टेट्स के लिए ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये वेरी कर सकता है, ये अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एडमिशन प्रोसेस और फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में होंगे तब आपको 12th लेवल के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स। 12th में आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बट इंजीनियरिंग में यानी कि डिप्लोमा के कोर्स में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़नी होगी, अप्लाइड फिजिक्स पढ़नी होगी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में ही आपको कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने होंगे यानी कि ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तक आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाएंगे और उसमें जो नेटवर्किंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अलावा तो डेटा कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं
वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इसमें, और आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें आपको सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको ट्वेल्थ लेवल के सब्जेक्ट कुछ पढ़ने होते हैं और कुछ आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड आपकी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। सपोज़ कीजिए आपने ब्रांच लिया कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया आपके, और इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो आपको पढ़नी होंगी, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में या फिर डिप्लोमा इन आईटी में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आइए बात करते हैं सैलरी के बारे में। आपको बता दें कि सैलरी आपके स्किल्स एंड आपके एक्सपीरियंस और इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी कंपनी में जॉब मिला है। अगर हम बात करें कॉलेज प्लेसमेंट की, अगर आपका कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट होता है तो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, यानी जब आप फ्रेशर होते हैं, जब आप विदाउट एक्सपीरियंस होते हैं तो स्टार्टिंग में कंपनीज आपको 10 से 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देती हैं। कुछ कंपनीज आपको स्टार्टिंग में ही 20,000 से 22,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी देती हैं, डिपेंड करता है कंपनी पर। और अगर आप कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपका प्रमोशन हो सकता है और सैलरी आपकी 20,000 से 25,000 या फिर 30,000 रुपये भी हो सकती है। अगर हम बात करें हायर स्टडी ऑप्शंस की, तो आफ्टर डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक या फिर बी कोर्स कर सकते हैं, अपनी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।